यस हेलो स्टूडेंट्स, तो अंडरराइटिंग चैप्टर का अपन ने बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और इसमें अपन अंडरराइटर को कितने शेयर्स लेने पड़ेंगे, उसकी लायबिलिटी कितने शेयर्स की रहेगी, उस कैलकुलेशन को लेकर के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं और स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन अपन ने उस दिन समझा था, वापस से स्क्रीन पे आपके सामने है। सबसे पहला काम अपना क्या है कि जो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी है, जितने जितने शेयर्स का उसने कमिटमेंट किया, उसमें से सबसे पहले क्या लेस करना है, मार्क्ड एप्लीकेशंस। ध्यान दीजिए, मार्क्ड एप्लीकेशंस कौन सी एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन जो पब्लिक ने अप्लाई किया, कौन से फॉर्म्स को यूज़ करके, किसी अंडरराइटर के फॉर्म को यूज़ करके, कैसे पता चलता है उस पर उसकी सील लगी होती है। तो सबसे पहला डिडक्शन किसका देना है, मार्क्ड एप्लीकेशंस का, जिसने जिसके थ्रू जितनी जितनी एप्लीकेशंस आई उसके उसके लाइबिलिटी में कम हो जाएगा। दूसरा नंबर आता है अनमार्क्ड, जो कंपनी के पास डायरेक्टली आई जिसपे किसी की भी सील नहीं लगी है। क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे बांट देंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में बांटे या नेट लाइबिलिटी रेशियो में बांटे। हाँ, हमको अजम्पशन लिखना पड़ेगा और वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटिए ताकि अपने को मेहनत कम करनी पड़े, नहीं तो नेट लाइबिलिटी का रेशियो पहले तो निकालो फिर जा करके बांटो तो टाइम अपना बचता है। तीसरा है फॉर्म एप्लीकेशन, जो अंडरराइटर ने खुद ने अप्लाई किया, हाँ उनके बारे में क्या है, मैंने आपको कहा था वो तो बच्चा है, या तो पापा के साथ जाएगा या मम्मी के साथ जाएगा। मतलब फॉर्म एप्लीकेशंस के लिए या तो उन फॉर्म एप्लीकेशन को मार्क्ड माना जाएगा, मार्क्ड मानने का मतलब जिस अंडरराइटर ने जितने जितने शेयर्स खुद अप्लाई किए उसका क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब वो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी में से जो लेस करना है उसी में किया जाएगा, दूसरे का कोई लेना देना नहीं। और अनमार्क्ड मानने का मतलब अप्लाई किसने किया भूल जाओ, टोटल तीनों ने मिलके जैसे कि 600 शेयर अप्लाई किए थे, उस 600 को अगर मैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 532 में बांट रहा हूँ तो 532 में बांट दूंगा, या नेट लायबिलिटी में बांट रहा हूँ तो जो नेट लायबिलिटी आएगी उसी में बांट दूंगा। कुल मिला के फॉर्म का खुद का कोई बेसिस नहीं है, या तो मार्क्ड माना जाता है तब तो जिसने अप्लाई किया उसमें लेस हो जाएगा, या उसको अनमार्क्ड माना जाएगा। और अनमार्क्ड मानने का मतलब अगर मैं अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी में बांट रहा हूँ तो फर्म को भी ग्रॉस लायबिलिटी में बांटूंगा, अगर मैं अनमार्क को नेट लायबिलिटी में बांट रहा हूँ तो फर्म को भी नेट लायबिलिटी में बांटूंगा। और नेट लायबिलिटी का मतलब क्या है, ग्रॉस में से मार्क्ड तो हमेशा कम होगा, फर्म कम होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, उसको आप मार्क्ड मान रहे हैं तब तो कम हो जाएगा नेट रेशियो निकालने के लिए, और मार्क्ड नहीं मान रहे हो, अनमार्क्ड मान रहे हो तब तो नेट लायबिलिटी का मतलब सिर्फ क्या होगा, ग्रॉस माइनस मार्क्ड। ध्यान रखिए फिर वो उस केस में ग्रॉस माइनस मार्क्ड ही बचेगा क्योंकि फॉर्म को हमने मार्क्ड माना ही नहीं। ये सब करने के बाद अगर किसी अंडरराइटर में नेगेटिव आ जाए जिसको हम सरप्लस, तो सरप्लस को बचे हुए अंडरराइटर्स में, बचे हुए कौन से जिनमें डेफिसिट है, कौन से रेशियो में बांट देंगे अंडरराइटर्स बचे हुए का, याद रखिएगा जिनमें डेफिसिट हो। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चार अंडरराइटर हैं, चार में से दो में सरप्लस है दो में डेफिसिट है, तुम दोनों का सरप्लस बचे हुए दो में बांटेंगे, ये नहीं होगा एक का सरप्लस तीन में बांटो फिर आप कहेंगे तीसरा वाला पहले से सरप्लस में था इसको फिर तीन में बांटो, वो नहीं, दो सरप्लस वाले दो डेफिसिट वाले, सरप्लस वाले अलग डेफिसिट वाले अलग, तो दोनों का ही सरप्लस जो बचे हुए दो डेफिसिट वाले हैं उनमें बांट दिया जाएगा। अब चीज समझिए, क्वेश्चंस में जब हम कैलकुलेशन शुरू करेंगे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ने दो चीज़ों के बारे में क्या कह रखा है, क्योंकि ये दो चीज़ें ही बार बार चेंज होती है। फर्स्ट इज फॉर्म अंडरराइटिंग का ट्रीटमेंट क्या करना है, उसको मार्क्ड मानना है या उसको अनमार्क्ड मानना है, एक तो क्वेश्चन में ये ढूंढिए। दूसरा चीज़ आपको क्वेश्चन में जो ढूंढना है वो है अनमार्क्ड का ट्रीटमेंट क्या होगा, अनमार्क्ड को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांटना है या नेट लायबिलिटी रेशियो में बांटना है। अब सुन लीजिए, क्वेश्चन ने अगर कुछ नहीं कहा है हमको अजम्पशन लेना है, अजम्पशन आप फॉर्म के लिए मार्क्ड भी ले सकते हैं अनमार्क्ड भी ले सकते हैं, और अनमार्क्ड के लिए ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो भी ले सकते हैं नेट लायबिलिटी रेशियो भी ले सकते हैं, तो टोटल आपके चार परमुटेशन हो जाते हैं। कैसे कि सपोज फर्स्ट सिचुएशन मैंने फॉर्म को क्या मान लिया मार्क्ड, और उसके साथ में
अनमार्क्ड जो एप्लीकेशंस है उसके लिए मैंने कह दिया कि ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो यूज़ करूँगा, तो ये एक आंसर कुछ अलग ही आएगा। दूसरा, फर्म को मार्क्ड माना बट अनमार्क्ड को जो है मैंने कह दिया कि नहीं, मैं नेट लाइबिलिटी रेशियो यूज़ करूँगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन, फर्म को हमने इस बार अनमार्क्ड मान लिया और फर्म को जैसे ही अनमार्क्ड माना, अगेन अनमार्क्ड के लिए आपने कह दिया ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, और लास्ट कॉम्बिनेशन फर्म को अनमार्क्ड माना और अनमार्क्ड के लिए आपने कह दिया नेट लाइबिलिटी रेशियो। चारों आंसर मोस्ट प्रोबेबली अलग अलग आएंगे। हाँ, आप कहीं एग्जाम में कौन सा करना है जो आपकी इच्छा हो वो करिए, इंस्टीट्यूट तो चारों सॉल्यूशन देती है अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा हो। हाँ, किसी क्वेश्चन में कह दिया फॉर्म को मार्क्ड मानना है तो बात खत्म, फॉर्म को अनमार्क्ड मानना है बात खत्म, अनमार्क्ड को क्वेश्चन ने कह दिया ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, अपने आराम हुआ। पर आपका तो कुछ नहीं कह रखा हुआ, हमको तो एग्जाम में एक ही सोल्यूशन करना है, कौन सा करना चाहिए? तो मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल चॉइस ये वाली है, फॉर्म को क्या करो मार्क्ड मानो, तो अपने भी आराम रहता है ना, जिसने अप्लाई किया उसी में से लेस करना है। कारण मैं उसको फॉर्म को अनमार्क मानूंगा तो उन टोटल शेयर्स को फिर कोई रेशियो में बैठ के बांटो, कैलकुलेटर की हेल्प लो, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती। अनमार्क को ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटने का फायदा, अनमार्क्ड दिए हुए हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी कितने कितने शेयर्स अंडरराइट किए वो भी पता है, तो सीधा सीधा उसी रेशियो में बांटना पड़ता है। नेट लाइबिलिटी रेशियो में बांटने का मतलब अपने खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है, पहले तो नेट लाइबिलिटी के लिए मेहनत करो, ग्रॉस में से मार्क्ड कम करो, फिर फॉर्म को चेक करो कौन सा वाला था, फॉर्म किसके साथ था, मार्क के साथ था, वो भी लेस करो, फिर तो आएगा नेट लाइबिलिटी, फिर उस रेशियो में बांटो, अपना ही टाइम बढ़ता है। तो सबसे इजीएस्ट बेस्ट वे इज फॉर्म को क्या माननी है मार्क्ड, और अनमार्क्ड को कौन से रेशियो में बांट दो, ग्रॉस लाइबिलिटी में। तो अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, मैंने स्क्रीन पे भी निकाल लिया है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग शेयर्स वर इश्यूड एंड अंडर रिटन एज बिलो, तो ये शेयर्स इश्यू हुए हैं अल्फा बीटा एंड गामा, कितने कितने शेयर्स अंडर राइट किए हैं, 5000, 3000, 2000, तो 5, 3, 8 और 2, टोटल इश्यू 10,000 शेयर्स का था, तीन जनों ने मिलकर अंडर राइट किया है अल्फा बीटा एंड गामा। इन एडिशन देर इज फर्म अंडर राइटिंग, हाँ फर्म अंडर राइटिंग भी तीनों ने एग्री किया है, कितना, 1200, 200 एंड 600, तो टोटल ये 2000 तो उन्होंने फर्म ही कह दिया। द टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, अंडरलाइन करो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग। हाँ देखो क्वेश्चन है, कभी कह देगा सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म, एक्सक्लूडिंग फर्म का मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें फर्म जुड़ा हुआ नहीं है। एप्लीकेशन तीन होती है, मार्क्ड अनमार्क्ड फर्म, अब मैं कह दूं सब्सक्रिप्शन में फर्म जुड़ा हुआ नहीं है तो कौन सी एप्लीकेशन हो गई, मार्क्ड एंड अनमार्क्ड। सब्सक्रिप्शन में फॉर्म जुड़ा हुआ है इसका मतलब मार्क्ड अनमार्क्ड फॉर्म तीनों मिला करके क्वेश्चन से 8200 शेयर्स की आई एंड द फॉर्म्स इंक्लूडेड फॉलोइंग मार्क्ड फॉर्म्स, अल्फा ने के थ्रू 1400 की शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, कौन सी वाली, मार्क्ड वाली, यानी कि मार्क का मतलब याद रखिएगा जो पब्लिक ने अप्लाई किया। कभी भी ये मत समझ लेना इसमें फॉर्म भी जुड़ा हुआ होता है क्या, क्वेश्चन कह दे तो जुड़ा हुआ होगा, अदरवाइज कोई किसी में जुड़ा हुआ नहीं होगा, फॉर्म अलग है, मार्क्ड अलग है, अनमार्क्ड अलग है, तीनों अलग अलग, कोई किसी में जुड़ा हुआ नहीं है। तो अल्फा ने 1400 शेयर अप्लाई किए, सॉरी अल्फा के थ्रू पब्लिक ने 1400 शेयर्स की एप्लीकेशन भेजी, बीटा की मार्क्ड एप्लीकेशन 500 थी, गामा की 1200 थी। शो अलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटर्स की लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करिए। अब समझिए इस क्वेश्चन ने आपको दे दिया कि इश्यू 10,000 का था, सब तरह के सब्सक्रिप्शन मिला करके 8200 शेयर्स अप्लाई हुए, इसका मतलब 1800 शेयर्स अप्लाई नहीं हुए हैं। 1800 शेयर अप्लाई नहीं होने का मतलब वो पैसा, वो शेयर सॉरी अंडरराइटर्स को लेने पड़ेंगे, यानी कि अंडरराइटर्स की तीनों की मिला के लाइबिलिटी कितनी, 1800, ये तो बड़ा आसान है निकालना। पर अब तकलीफ क्या है, अल्फा कितने लेगा, बीटा कितने लेगा, गामा कितने लेगा, वही तो हमको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन ने कुछ भी गाइडलाइंस हमको दी नहीं है कि फॉर्म अंडरराइटिंग को क्या मानना है, अनमार्क को कौन से रेशियो में बांटना है। तो अपन एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस अपन इसमें वो चारों ही परमुटेशन लगा लेते हैं,
तो उससे एक फायदा और क्या होगा कि आपको भी एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि चारों में आंसर अलग अलग आता है, और अलग अलग आने का मतलब हमको एग्ज़ाम में अजम्पशन लिखना ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ और कही थी, एग्ज़ाम हॉल में आंसर मिलाने की कोशिश मत करना, अपने अजम्पशन मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए जी, सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाँ, अब 8,200 की जो ये एप्लीकेशन आई है, इसमें से कुछ तो क्या थे मार्क्ड, कुछ क्या है फर्म और कुछ क्या है अनमार्क्ड। कुल मिला के 8,200 के हमको तीन टुकड़े करने हैं कि इसमें मार्क्ड कितना है, अनमार्क्ड कितना है और फर्म कितना है। तो देखिए, मार्क्ड मेरे को दे रखे हैं, फर्म भी मेरे को दे रखे हैं, तो बचे हुए जो होंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनमार्क्ड। तो सबसे पहले तो हमको एक ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी हैं। देखिए, क्वेश्चन को मार्क्ड एप्लीकेशन देनी ही पड़ेगी कि क्योंकि वो तो अंडरराइटर के नाम के हिसाब से आएगी, फॉर्म भी क्वेश्चन को देनी ही पड़ेगी। तो एक बेचारा अनमार्क्ड ही तो है जो क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि उसका ब्रेकअप नहीं होता, वो तो टोटल ही आएगी। तो शुरू करते हैं अपन। हाँ, लिखना शुरू करिए। हाँ लिखो भाई, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है उसका कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं। लिखे टोटल सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, सारा मिला करके सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स का आया है, यू विल से 8,200 लेस। इसमें से क्या लेस करना है, हाँ, मार्क्ड एप्लीकेशंस तीनों की कितनी कितनी थी, क्वेश्चन ने दिया था 1,400, 500, 1,200, तीनों की टोटल लगा लीजिए, तीनों का मिला करके मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना हुआ 3,100। ये 3,100 लेस करके एक बार बैलेंस निकाल लेते हैं कि अब कितनी सब्सक्रिप्शंस बची है, तो इट इज़ 5,100। इसमें से अनमार्क्ड और कम कर देंगे, हाँ जी, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी है 3,000, ओह सॉरी सॉरी, अनमार्क थोड़ी कम करना है अपने को, फर्म कम करना है, लेस, हाँ जी, लेस क्या कर देंगे, फर्म एप्लीकेशंस। तो फर्म एप्लीकेशन कहिए चाहे फर्म अंडरराइटिंग कहिए, एक ही चीज़ है। तो देखिए, अल्फा ने 1200 की गारंटी दी, बीटा ने 200 की, गामा ने 600 की, तो ये टोटल मिला करके कितना हो गया 2,000। तो रिमेनिंग जो आएगा वो अपने आप ही क्या आ जाएगा, अनमार्क्ड। तो ये बैलेंस 3,100 आपके क्या हो गया, अनमार्क्ड। तो ये सबसे पहला कैलकुलेशन अपन ने किया, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितनी आई, क्योंकि जैसे ही अपन वो कैलकुलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे हमको अनमार्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन ने कुछ कह नहीं रखा है तो हमको अजम्पशन लेना पड़ेगा, तो लिखो भाई अजम्पशन, अजम्पशन लिखिए, लिखो अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अजम्पशन में अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैज बीन क्रेडिटेड, आपको क्रेडिटेड कैसे है भाई, कोई अंडरराइटर से कोई अपनी लाइबिलिटी है उसमें से ही उसका अमाउंट कम कर रहे हैं तो क्रेडिट करते जा रहे हैं इन, हाँ, कौन सा अजम्पशन ले रहे हैं अपन, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैव बीन क्रेडिटेड इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, पहला अजम्पशन तो अपना ये हो गया। हाँ, दूसरा अजम्पशन अपने वो क्या लेना है फॉर्म के लिए, तो लिखो भाई फॉर्म एप्लीकेशंस, फॉर्म एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, फॉर्म अंडरराइटिंग भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में मोस्टली फॉर्म अंडरराइटिंग लिखा होता है, ये नहीं ये कोई नई चीज़ आ गई, सर ने तो फॉर्म एप्लीकेशन बताया था, वैसे थ्योरी में आप देखोगे फॉर्म एप्लीकेशन ऑब्लिक अंडरराइटिंग ही लिखा हुआ है। फॉर्म एप्लीकेशंस हैज बीन ट्रीटेड एज, हाँ, अपन इस वाले को सोल्यूशन में इसको मार्क्ड मान रहे हैं। मार्क्ड मानने का मतलब क्या हुआ, जिसने अप्लाई किया उसी को उसका क्रेडिट देना है। अब इसका सॉल्यूशन का प्रोसेस, हाँ एक मिनट कॉपी कर लो भाई, हो गया जी। अब इसका सॉल्यूशन का प्रोसेस जो है, अपने को एक स्टेटमेंट
बनाना पड़ेगा और वो स्टेटमेंट किस चीज का होगा, शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। तो लिखिए मैं जो बोल रहा हूं, स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स। अब इसका पहले एक मिनट फॉर्मेट देख लीजिए, फिर कॉपी कर लीजिएगा। सबसे पहला कॉलम हो जाएगा अपना पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद में टोटल कॉलम, उसके बाद तीन अंडर राइटर्स हैं, तीनों के नाम आ जाएंगे अल्फा बीटा एंड गामा। सो दिस इज द फॉर्मेट वी नीड टू प्रिपेयर, पर्टिकुलर्स टोटल कॉलम अल्फा बीटा एंड गामा। तो अब शुरू करते हैं, वी स्टार्ट विथ ग्रॉस लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी तीनों ने मिलके कितने की ली, 10,000। उसमें से अल्फा ने कितने का एश्योरेंस दिया, 5,000, बीटा ने कितने का दिया, 3,000, गामा ने कितने का दिया, 2,000। सो दिस इज द ग्रॉस लाइबिलिटी जो तीनों ने लिया। अब अपना स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले मार्क्ड लेस करना है, उसके बाद फर्म लेस करना है, और उसके बाद अनमार्क्ड लेस करना है। तो लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, हाँ जी, मार्क्ड में कितनी एप्लीकेशंस आई थी, अपन ने ये क्वेश्चन ने दिया हुआ था, टोटल भी लगाई थी 3,100, टोटल में 3,100। अल्फा के थ्रू कितनी शेयर्स अप्लाई हुए, 1,400, बीटा के थ्रू कितनी एप्लीकेशंस आई, 500, गामा के थ्रू कितनी आई हैं, 1,200। तो ये अपन ने लेस कर दिया। आप कहेंगे बैलेंस निकालना है क्या, हरगिज नहीं निकालना है, लास्ट में ही निकालेंगे। क्यों, कि बैलेंस आपको कब जरूरत पड़ती है, जब नेट लाइबिलिटी रेशियो यूज करना हो। अब मुझे तो फर्म लेस करनी है जिसने जितना अप्लाई किया एज मार्क्ड, अनमार्क कौन से रेशियो बांटनी है ग्रॉस में, तो मैं मेहनती एक्स्ट्रा क्यों करूंगा। सो लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस हो गया लेस। हाँ जी, अब आगे फर्म एप्लीकेशंस या फर्म अंडर राइटिंग। हाँ जी, फर्म अंडर राइटिंग में 2,000 शेयर्स अप्लाई हुए, अल्फा ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी, 1,200, गामा ने, बीटा ने सॉरी 200, और गामा ने 600 शेयर्स। तो ये एप्लीकेशंस आ गई, कौन सी वाली, फॉर्म वाली। उसके बाद में मुझे क्या लेस करना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। हाँ जी, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस अपन ने क्या माना है, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो वो क्या है, अल्फा बीटा गामा का 5:3:2। तो देखिए 3,100 शेयर्स अप्लाई हुए हैं, अल्फा बीटा गामा 5:3:2 है, तो लेस करो भाई, 5:3:2 के रेशियो में 3,100 को बांटिए। हाँ, अल्फा में कितना आ रहा है, हाँ जी 1550, चलिए 1,550 रुपये। बीटा में कितना आ रहा है, हाँ जी 930, और गामा के अंदर 620, चलिए ये सब हो गया। नाउ आई कैलकुलेट द बैलेंस। तो बैलेंस में आप कहेंगे कि 10,000 में से 3,100 लेस किया, 2,000 लेस किया, 3,100 लेस किया, पीछे कितना बचा, 1,800। हाँ, 1,800 में अल्फा के अंदर अमाउंट कितना आ रहा है, हाँ 5,000 में से 1,400 लेस करो, 1,200 लेस करो, और 1,550 लेस करो, सो वी लेफ्ट विथ 850। बीटा में भी यही कैलकुलेशन करके निकालिए भाई, कितना आ रहा है, 3,000 में से 500, 200 और 930 लेस करें, कितना बचता है, 1,370। और गामा के अंदर 2,000, उसमें से 1,200, 200 सॉरी 1,200, 600 और 620 लेस करने हैं। हाँ जी, यहाँ तो -420 आ रहा है। देखिए माइनस आने से थोड़ा सा काम बढ़ गया, अगर तीनों में पॉजिटिव आता ना, किसी में नेगेटिव नहीं आता, तब तो अपने आप ही ये जो 1,800 शेयर आपके हैं, ये 1,800 शेयर्स को इसी रेशियो में जो आंसर आता है आप कहेंगे ले लेंगे, 850 शेयर ये लेगा, 1,370 ये लेगा, और 420। लेकिन अब क्योंकि माइनस है, हाँ माइनस का मतलब सरप्लस है, तो अब इसके लिए यहाँ पे वापस पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखो भाई, सरप्लस लिखिए, सरप्लस ऑफ गामा
गामा ही नाम है ना, सरप्लस ऑफ गामा टू अल्फा एंड बीटा इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। तो सरप्लस ऑफ गामा टू अल्फा एंड बीटा इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये 420 के सरप्लस को हम 5:3 के रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 5:3 के रेशियो में बांटिए भाई, यहाँ तो प्लस 420 हो जाएगा। हाँ, 5:3 में 420 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, सो हाउ मच इट कम्स टू, है जी कितना, 263। सो वी हैव 263। हाँ, ये कितना बचेगा, 157। तो ये अब फाइनल आंसर अपना आ जाएगा, नेट लाइबिलिटी। तो 1800 शेयर्स के लिए फाइनली व्हाट वी हैव कंक्लूडेड इज, अल्फा को 850 में से 263 कम करें, 583 शेयर्स लेने पड़ेंगे। गामा को 1370 में से 157 शेयर कम करें, 1213 शेयर्स लेने पड़ेंगे, सॉरी बीटा को, और गामा को कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एक दूसरी चीज़, ये अपना फाइनल हो गया। तो 1800 शेयर जो अप्लाई नहीं हुए, अल्फा कितने लेगा, 583, बीटा कितने लेगा, 1213, एंड गामा निल। पर इसके अलावा भी तो वो कुछ ले चुके हैं, कौन से ले चुके हैं, फर्म अंडरराइटिंग वाले। तो लास्ट में हम एक बार और वापस से फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर देते हैं कि किसने कितने शेयर्स लिए थे। टोटल 2000 लिए थे, अल्फा ने कितने लिए थे, 1200। हाँ, जिसने जितने लिए वही ऐड करने हैं, बीटा ने 200, गामा ने 600। तो ये हमारा टोटल लाइबिलिटी आ जाता है कि बेचारे अंडरराइटर्स के घर पे कितने शेयर्स पहुंच गए। देखो 10000 का इशू था, सब्सक्रिप्शन के नाम पे तो आप कह सकते हो 8200 का सब्सक्रिप्शन आया है, 1800 अंडरराइटर को लेने हैं, पर 8200 में भी 2000 शेयर कौन ले चुका था, अंडरराइटर। यानी कि अंडरराइटर के जिम्मे में टोटल शेयर 2000 प्लस 1800 कितने हो गए, 3800। 3800 में से अल्फा के अलॉटमेंट कितना हुआ, 1783, बीटा इज 1413, गामा इज 600। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस कैलकुलेशन। तो ध्यान दीजिए, हमने अजम्पशन इस वाले में क्या लिया है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन को क्या माना है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को सॉरी कौन से रेशियो में बांटा है, ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, और फर्म को क्या माना है, मार्क्ड। फर्म को मार्क्ड मानने का मतलब क्या होता है, जिस अंडरराइटर ने अप्लाई किया क्रेडिट उसी को देना है, ओके। और अनमार्क्ड मानते ही तो फिर आप कहेंगे कि जो रेशियो होगा उसमें देखा जाएगा। तो चलिए, ये एक पहले अजम्पशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को किया, इसी क्वेश्चन को दूसरे परमुटेशन से भी कर लेंगे और फिर अपन फाइनली मिला लेंगे, हाँ आंसर अलग अलग आता है, ओके। चलिए जी, तो स्टार्ट अगेन, शुरू करिए नेक्स्ट अल्टरनेट सॉल्यूशन। अब इस अल्टरनेट सॉल्यूशन में फाइनली चेंज क्या होने वाला है, अजम्पशन। अजम्पशन में पहला अजम्पशन अनमार्क्ड, हाँ अनमार्क्ड के लिए एक ही है कि ग्रॉस लाइबिलिटी या नेट लाइबिलिटी। तो इसमें अनमार्क को मान लेते हैं अपन, नेट लाइबिलिटी रेशियो में बांटना है। दूसरा फर्म के लिए अजम्पशन, तो फर्म को अपन मान लेते हैं कि ये मार्क्ड माना गया है, ठीक है। तो ये दो अजम्पशन अपने लिए, फर्म का अजम्पशन पहले भी मार्क्ड था और अब भी मार्क्ड है, वेर एज अनमार्क्ड जो है वो पहले कौन से रेशियो में था, ग्रॉस लाइबिलिटी में, अब कौन से रेशियो में है, नेट लाइबिलिटी में। तो अब वापस से स्टेटमेंट फिर वही पूरी मेहनत करनी है, हाँ हाँ भाई करो करो, आज एक बार तो करनी पड़ेगी ना, ताकि ये आंसर अलग अलग आने से आपको दिमाग में बहुत क्लियर कट समझ में आ जाए, अजम्पशन चेंज आंसर चेंज, इसीलिए नाम अजम्पशन है। तो लिखो वही हेडिंग, स्टेटमेंट showing liability of underwriter, हाँ जी स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, कॉलम अपने वही है, पर्टिकुलर्स टोटल कॉलम, अल्फा देन बीटा
और उसके बाद गामा। अजम्पशन याद रखना भाई, अनमार्क कौन सा रेशियो है, नेट लाइबिलिटी रेशियो। अच्छा एक चीज बताओ, आप नेट लाइबिलिटी का मतलब इस वाले केस में क्या होगा, आप कहेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो में से मार्क्ड कम करेंगे, फॉर्म भी कम होगा क्या, तो हम कहेंगे फॉर्म को क्या माना, मार्क्ड माना। अब मैं कह रहा हूं जब मार्क्ड कम करना है और फॉर्म भी मार्क्ड है तो ऑब्वियसली आप कहेंगे फॉर्म भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस। और अगर फॉर्म को मैं अनमार्क्ड लिख देता तो फिर नेट लाइबिलिटी का मतलब हो जाएगा ग्रॉस में से सिर्फ मार्क्ड कम कर दो। तो चलिए स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। तो वी स्टार्ट विथ ग्रॉस लाइबिलिटी। हाँ जी, ग्रॉस लाइबिलिटी टोटल वही 10,000। हाँ कुछ चीज़ें तो आपको अपने वही सॉल्यूशन में से पेस्ट करनी है, 5,000, 3,000, 2,000। लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, वही पिछली वाला सॉल्यूशन 3,100 मार्क्ड था, अल्फा के थ्रू 1,400 शेयर्स आए, बीटा के थ्रू 500, गामा के थ्रू 1,200। हाँ इसमें मेरे को नेट लाइबिलिटी रेशियो चाहिए, पर ध्यान दीजिए ग्रॉस में से मार्क कम करते ही नेट नहीं है, अभी एक जना और कम करना है, किसको कम करना है, फर्म, कितने शेयर्स हैं, 2,000। हाँ फर्म के 2,000 है ना, 2,000 में से जिस जिसने जितना जितना अप्लाई किया था वही 1,200, ठीक है, देन 200 और फिर 600, ये लेस हुआ। अब एक बार मेरे को बीच में बैलेंस निकालना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये अभी तक देखिए मैंने अनमार्क लेस नहीं किया, आप कहेंगे पहले लेस क्यों नहीं किया, अरे भाई लेस करने के लिए रेशियो चाहिए, रेशियो वो 5:3:2 तो माना नहीं है, मैंने नेट लाइबिलिटी माना है, इसीलिए मैंने मना किया था, इसमें टाइम थोड़ा सा अब ज़्यादा लगेगा। अब आप कहेंगे पहले बैठ के क्या करो, सबके बैलेंस निकालो। हाँ जी निकालो भाई, 10,000 में से 3,100 और 2,000 दोनों लेस होंगे, कितना बचेगा जी, 4,900, वेरी गुड। हाँ 5,000 में से 1,400 और ये 1,200 दोनों कम करिए, कितना बचा, 2,400, 2,300 और ये तो सिर्फ कितना है, 200। चलिए जी, ये कहलाता है नेट लाइबिलिटी रेशियो। क्यों निकालना पड़ा मुझे, क्योंकि अनमार्क को मैंने अज्यूम किया नेट लाइबिलिटी रेशियो में बांटूंगा। अब माइनस अनमार्क्ड, अनमार्क कितने हैं अपने, 3,100, कौन से रेशियो में बांटना है, 24:23:2, बस इस रेशियो में सीधा सीधा बांट देंगे। हाँ जी, तो 3,100 को बांटिए भाई 24:23:2, मतलब हो गया 3,100 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 49, तो हाउ मच इट कम्स टू, 1,518। चलिए जी 1,518, दूसरे वाले का 1,455 और लास्ट वाले में कितना है जी, लास्ट वाले में 127। चेक कर लो भाई ये सब जोड़ बराबर हो रही है, नहीं हो रही है, 8, 5, 13 और 7, ठीक है। तो बैलेंस कितना है, हाँ देखिए बैलेंस तो वही 1,800 है, घूम फिर के लास्ट में तो भाई 1,800 शेयर बच गए, कौन लेगा, ढूंढ उसी को रहे हैं। तो अब आप कहेंगे 1,800 शेयर, हाँ अल्फा के जिम्मे कितने आ रहे हैं भाई, 2,400 में से 1,518 कम करिए, 882। हाँ इधर कितना आ रहा है, 845, इधर कितना आ रहा है, 73। ओ फाइन, नेगेटिव किसी में नहीं आया, आराम हुआ। जब नेगेटिव नहीं आया इसका मतलब हो गया 1,800 शेयर में अल्फा कितने लेगा, 882, बीटा कितने लेगा, 845, गामा कितने लेगा, 73, तीनों को ही लेने हैं, तो फाइन ये अपना सीधा ही आंसर हो गया नेट लाइबिलिटी। ऐड, हाँ लास्ट में अपना वही प्रोसेस, 2,000 फॉर्म वाले सब में वापस जोड़ दो, तो अल्फा के थ्रू कितने आए थे, 1,200, बीटा ने 200 अप्लाई किया, गामा ने 600 अप्लाई किया, तो ये हो जाती है टोटल लाइबिलिटी, टोटल 3,800 की हुई, अल्फा की निकालो भाई 2,082, फिर 1,045 एंड 673, ओके। तो ये 3,800 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इन तीनों को टोटल कितने शेयर्स लेने पड़े। हाँ जी दिख रहा है ना भाई, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, तो 673। तो ये इस तरह से लाइबिलिटी का कैलकुलेशन हमने किया। अब आप चेक करेंगे अगर ये वाले सॉल्यूशन को अपने पिछले वाले सॉल्यूशन से तो फ़र्क मिलेगा, पिछले वाले में
ये 2082, 1045 और 673 नहीं था, लास्ट टाइम वाले में कितना था देखिए, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अपन दोनों ही चेक कर पाएंगे। तो लास्ट वाले में आप देखिए फाइनल लाइबिलिटी वाज 1783, इस बार कितना हो गया 2082, अल्फा की लाइबिलिटी बढ़ गई, बीटा वाला कम हो गया और गामा भी फंस गया, 600 की जगह कितना हो गया 673। तो आंसर चेंजेस विद द अजम्पशन। अब दो सॉल्यूशन अभी तो और कर लेते हैं, थर्ड अजम्पशन के साथ अपन शुरू करते हैं। तो लिखो भाई अल्टरनेट थ्री। हाँ जी, सो अल्टरनेट थ्री में अपन क्या अजम्पशन ले लेंगे अब। हाँ, अजम्पशन के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो अनमार्क को क्या करना है और एक फर्म को क्या मानना है। अब फर्म को इस बार अपन क्या मान लेते हैं, अनमार्क्ड, और अनमार्क के लिए वापस ले लेते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, फर्म तो अनमार्क्ड है ही, अनमार्क्ड को कौन से रेशियो में कर देंगे, नेट लाइबिलिटी रेशियो। चलिए वापस से सॉल्यूशन शुरू करिए। स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, तो स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, फॉर्मेट वही है, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉलम, तीनों अंडरराइटर्स के नाम आ जाएंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। सो अगेन वी स्टार्ट विथ ग्रॉस लाइबिलिटी, वही 10,000 शेयर्स। अल्फा ने कितने की गारंटी ली थी, 5,000, बीटा ने कितना बोला था भाई, 3,000, और गामा ने 2,000। लेस, हाँ, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं है, मार्क लेस करना है, उसके बाद फर्म, उसके बाद अनमार्क्ड, ठीक है। तो मार्क्ड टोटल 3,100, अल्फा के थ्रू कितनी आई थी भाई 1,400, बीटा के थ्रू 500, गामा के थ्रू 1,200, लेस कर दिया। अब फर्म लेस करना है, अनमार्क्ड लेस करना है, फर्म को हमने इस बार क्या माना है जी, फर्म को हमने अनमार्क्ड माना है, तो आप कहेंगे अनमार्क्ड मान लिया, चलो जी अनमार्क्ड की तरह लेस कर देंगे। अनमार्क्ड कौन से रेशो में लेस कर रहे हैं, तो उसका अजम्पशन था ग्रॉस, इस मतलब समझिए फर्म को भी मैं कौन से रेशो में लेस करूंगा, ग्रॉस, अनमार्क्ड को भी कौन से रेशो में लेस करूंगा, ग्रॉस लाइबिलिटी, बस दोनों के लिए सेम लगेगा, पर करना तो अलग अलग पड़ेगा। लेस फर्म अंडरराइटिंग, हाँ जी, लेस फर्म, हाँ फर्म में 2,000 है, कौन से रेशियो में बांटना है, ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब 5:3:2, हाँ जी 2,000 को 5:3:2 में बांटिए। देखिए मैंने बीच में बैलेंस नहीं निकाला है, बैलेंस सिर्फ उन क्वेश्चंस में निकालिएगा बीच में जहाँ नेट लाइबिलिटी रेशियो हो, नहीं तो फालतू का टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो 5:3:2 के रेशियो में 2,000 को बांट दीजिए, सो इट इज 1,600 एंड 400। लेस अनमार्क्ड, अनमार्क्ड 3,100 है, इसको भी मुझे 5:3:2 में बांटना है। हाँ, अपन ने सॉल्यूशन नंबर 1 जो किया था शायद उसमें यही तो रेशियो लिया था, तो उसी अमाउंट्स को यूज़ कर लो, बार बार कैलकुलेटर को भी थकाने की ज़रूरत नहीं है। 930 एंड 620, तो अब बैलेंस निकाल लेते हैं, 1800 की क्या स्थिति आ रही है। हाँ, अल्फा में 5,000 में से 1,400 लेस करना है, 1,000 लेस करना है, 1,550 लेस करना है, कितना आया जी 1,050, बीटा इज 970, हियर इट इज -220, फिर कुल मिलाकर के सरप्लस तो आ ही गया, तो लिखो भाई सरप्लस ऑफ गामा टू अल्फा एंड बीटा, सॉरी सरप्लस ऑफ गामा सरप्लस, हाँ ये कितना था -220, ओहो यूं ही है जी, कंप्यूटर है कभी भी नाराज हो जाता है। सो लिखे भाई, देखो उड़ा ही दिया उसने, कंप्यूटर में भी अल्फा गामा होता है ना, गामा गामा कहीं क्रैश हो गया है। सरप्लस ऑफ गामा ट्रांसफर्ड टू
लिखिए भाई, अल्फा एंड बीटा। हाँ, अल्फा और बीटा में कौन से रेशियो में जाएगा? 5:3 में। तो 5:3 में ये 220 के सरप्लस को शिफ्ट करो भाई, कितना होएगा? इधर 5:3 के में 220 को सरप्लस को शिफ्ट करेंगे 138, और इधर कितना आ जाएगा? 82। चलिए जी, सरप्लस बांट दिया तो ये आपकी नेट लाइबिलिटी आ गई कि 1800 शेयर। अल्फा को कितने लेने पड़ेंगे? ये बचेगा 912। हाँ, ये कितना बचेगा? 888। दिस इज निल। हाँ, 912 और 888 की टोटल चेक कर लो भाई, 1800। मीन्स इसमें एक मैथमेटिक्स है सिंपल, लास्ट में जाकर के टोटल कॉलम 1800 आ रहा है, आपके इंडिविजुअल कॉलम भी चेक कर लेना, सबके जोड़ 1800 है या नहीं है। एड फॉर्म अंडर राइटिंग। हाँ, बार बार सोच रहे होंगे क्यों ऐड करते हैं, बस ऐसे ही फैशन है जी, अच्छा लगता है, ताकि अंडर राइटर को भी ध्यान में रहे कि उसको टोटल शेयर जो मिले हैं वो 912 और 888 नहीं मिले हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हो, अंडर राइटर अल्फा 1200 तो खुद होकर के लिए, 912 कंपनी ने और चिपका दिए, ले जाने ही पड़ेंगे। तो दिस इज हाउ टोटल 3800 शेयर्स अंडर राइटर्स ने लिए हैं। अल्फा के हिस्से के कितने हो गए? 2112, इट इज 1088 एंड इट इज 600। तो ये अपन ने तीसरा अजम्पशन लिया, और वो अजम्पशन था कि अनमार्क को कौन से रेशियो में बांटा अपन ने, ग्रॉस लाइबिलिटी, और फर्म को भी क्या मान लिया? अनमार्क्ड। अनमार्क मानने का मतलब फर्म एंड अनमार्क्ड दोनों सेम रेशियो में बटेगी, चाहे वो ग्रॉस हो चाहे नेट हो। अब एक चौथा सॉल्यूशन और करना है अपने को, तो शुरू करो भाई चौथा अजम्पशन के साथ अपना सॉल्यूशन, अल्टरनेट फोर। अल्टरनेट फोर में अगेन पॉइंट वही है, अनमार्क्ड को कौन से रेशियो में बांटना है और फर्म का ट्रीटमेंट क्या करना है। तो अनमार्क्ड को इस बार कौन सा रेशियो कर देते हैं? नेट लाइबिलिटी। और फर्म क्या चल रहा है? अनमार्क्ड। देखिए, मैंने चार परमुटेशन अभी आपको बताए थे, तीन काम में ले लिए, चौथा ये बचा है। इसके अलावा कुछ भी सोचोगे तो पहले वाले तीन में से ही आएगा। हाँ, अब क्योंकि फर्म को अनमार्क्ड मान लिया, और अनमार्क कौन से रेशियो में बट रहा है? नेट लाइबिलिटी में। तो फर्म भी कौन से रेशियो में बटेगा? नेट लाइबिलिटी में। और नेट लाइबिलिटी का मतलब यहां पर क्या होगा? आप कहेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी में से मार्क्ड कम कर दो, कर देंगे। हाँ, अनमार्क कम होगा क्या? आप कहेंगे मार्क्ड कम कर दिया। हाँ सॉरी, फर्म कम होगा क्या? आप कहेंगे फर्म कम नहीं होगा, क्योंकि फर्म तो खुद किसके साथ में है? अनमार्क्ड। यानी कि ग्रॉस में से मार्क कम किया, ये जो बैलेंस आएगा यही नेट लाइबिलिटी रेशियो है, जिसमें आप फर्म को भी डिडक्ट करोगे और अनमार्क को भी डिडक्ट करोगे। कारण आप कहेंगे नहीं, फर्म तो लेस कर दो ना। फर्म लेस कौन से रेशियो में करना है? नेट लाइबिलिटी। वो रेशियो कब निकलेगा? पहले निकलेगा। इसका मतलब फर्म लेस करने से पहले ही तो रेशियो चाहिए। तो शुरू करो भाई, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सो स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। अपनी अब राइटिंग तो हिंदुस्तान जैसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्क्वायर तो है नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है भाई, लाइनें भी नहीं है ना। पर्टिकुलर्स, टोटल। नाउ वी हैव अगेन तीन अंडर राइटर हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। हाँ जी, ग्रॉस लाइबिलिटी 10,000 शेयर्स। अल्फा के जिम्मे कितने थे? 5, बीटा के 3, गामा के 2,000। आपने ये तो याद होना लग जाएगा, जो भी है। लेस मार्क्ड के 3,100 एप्लीकेशंस लेस करो, 1,400, 500, 1,200। अब यहाँ पर नेट लाइबिलिटी रेशियो है। अब आप कहेंगे फर्म लेस करके निकालना है, पहले निकालना है? फर्म पहले कब लेस होगा? अगर उसको मार्क्ड मानना हो। पर वो तो मार्क्ड पापा के साथ तो है नहीं, इस बार तो मम्मी के साथ है। तो एक बार यहाँ पे बैलेंस सीधा निकाल लिया जाएगा, 6,900 हुआ। दिस इज हाउ मच? 3,600। दिस इज 2,500 एंड इट इज 800। तो ये जो 3,600, 2,500, 800 आया है, देखिए ये 3,600, 2,500 और 800 जो है, यही अपना रेशियो है जिसमें फर्म और अनमार्क्ड दोनों ही बटेंगे। तो लेस फर्म,
हाँ फॉर्म के कितने एप्लीकेशंस हैं 2000, कौन से रेशियो में बांटना है 36:25:8। उसके बाद अनमार्क्ड, अनमार्क्ड के कितने हैं 3100, इनको भी कौन से रेशियो में बांटना है 36:25:8। हाँ जी करो भाई मेहनत, 36:25 और 8 के रेशियो में लेस करो। तो 2000 का कितना कितना आएगा 36:25:8 में 1043, वेरी गुड। नेक्स्ट 724, ओके, और लास्ट वाला कितना है 233। चलिए बहुत बढ़िया, चेक कर लो भाई सही है ना। हाँ ठीक है, 3100 को भी बांटिए 36:25:8। हाँ जी, तो इट इज़ 1617, 1123, और लास्ट वाले में कितना है 360। चलिए तो ये अब आपका नेट लाइबिलिटी 1800 शेयर किसको लेने पड़ेंगे आ जाएगा। हाँ जी, कितना आया 940, 653, और लास्ट वाले में कितना है 207। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द अमाउंट्स कि 943, 653 एंड 207। तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया 1800 शेयर, कौन कितने लेगा। टोटल चेक कर लो भाई, 1800 हो रहा है ना, ऐड लास्ट में क्या जोड़ देना है, फर्म अंडरराइटिंग। हाँ फर्म अंडरराइटिंग जोड़ दीजिए 2000 शेयर्स वाली, कितनी कितनी। हाँ अब आप कहेंगे जोड़नी कितनी है, लेस तो अपन ने, सुनिए सुनिए, हाँ ध्यान दीजिए, लेस तो आप कहेंगे मैंने 1043, 724 और 233 किया था। लास्ट में जब जोड़ेंगे ना, लास्ट में जोड़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस अंडरराइटर के घर पे कितने शेयर अपन ने भेजने हैं। तो देखिए, अल्फा ने 1200 शेयर की फर्म अंडरराइटिंग करी, तो ये 1200 शेयर जो है ये उसके घर पे ही जाएंगे, ठीक है, दूसरे के घर पे नहीं जाएंगे। हाँ अजीब बात जरूर ये है कि अप्लाई तो किया अल्फा ने 1200, और क्रेडिट उसको कितना मिल रहा है 1043 का। ये तो इस मेथड की दिक्कत है तो रहेगी, इसका मेरे पास में भी कोई इलाज नहीं है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर दैट अल्फा ने अप्लाई 1200 किया, लेकिन जब फर्म को अनमार्क्ड मान लिया तो उसको क्रेडिट 1200 का नहीं मिलेगा, 1043 का ही मिला। लेकिन लास्ट में जब वापस जोड़ने का टाइम आएगा, यहाँ 1200 जोड़ना है, इसमें 200 जोड़ना है, इसमें 600 जोड़ना है, इसमें कोई फर्क नहीं है, इट इज़ वन एंड द सेम। तो ये टोटल लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी 3800 शेयर अल्फा के घर पे कितने भेजने हैं 2140, यहाँ पर 853 एंड दिस इज 807। अब आप चेक कर लो भाई, सारे ही आंसर्स अलग अलग हैं, ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो इधर ये 1783 था, तो इधर आप देखेंगे 2082 आया, इधर 2121 आया, तो यहाँ पर कुछ 2140 आया। हर बार आंसर अलग अलग है डिपेंडिंग ऑन द अजम्पशन यू टेक, तो इसलिए अजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर में। बड़े ध्यान से हमको सॉल्यूशन करना है, और मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट वाला है, ये अजम्पशन लीजिए। इंस्टीट्यूट भी मैक्सिमम इसी अजम्पशन को लेती है, थोड़ा लॉजिकल भी है, क्यों, फॉर्म अंडरराइटिंग, बेचारे जिसने अप्लाई किया उसी में से लेस करो। दूसरा अनमार्क्ड, जब किसी ने कोई मेहनत ही नहीं करी तो जिसने जितनी ज़्यादा रिस्क ली थी उसको क्रेडिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी कि ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द बेटर लॉजिकल वन, तो कुछ नहीं कह रखा हो, अपने यही अजम्पशन लेना चाहिए, अनमार्क को ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो और फर्म को क्या मान लीजिए मार्क्ड। ओके, तो ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का किया। एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हाँ ध्यान दीजिए, यस, सो पे अटेंशन नाउ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। एक्सपोर्ट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2017 इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो इशू 5 लाख शेयर्स का था। द अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलोज, कपूर ने 2 लाख शेयर्स की अंडर राइटिंग करी, बोहरा 1.5 लाख शेयर, दलाल 1 लाख शेयर्स, मेहता 50,000 शेयर्स। तो ये चार अंडर राइटर हैं, कपूर, बोहरा, दलाल, मेहता। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4,50,000 शेयर्स, ऑफ विच मार्क्ड एप्लीकेशंस वर एज फॉलोज,
नाउ मार्क्ड एप्लीकेशन देखो भाई क्या क्या दिया है। कपूर ने 2,20,000 शेयर्स, मतलब कपूर के थ्रू मार्क्ड एप्लीकेशन ही कितनी आ गई 2,20,000। ऊपर उसकी लाइबिलिटी तो सिर्फ 2 लाख की थी, बहुत बढ़िया काम किया, तो ठीक है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। बोहरा 1,10,000 शेयर्स, मेहता 10,000 शेयर, दलाल 9,000 शेयर। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। तो अपने को लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करना है। हाँ, क्वेश्चन में एक बड़ा आराम हुआ, फर्म अंडरराइटिंग तो है ही नहीं, तो कुल मिलाकर के दो ही रह गए, एक मार्क्ड और एक अनमार्क्ड। सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन ने दे दिया 4,50,000 शेयर का आया, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन ये 2,20,000, 1,10,000, 10,000, 9,000 लेस करेंगे, अपने आप ही क्या आ जाएगा अनमार्क्ड, और फिर उसको क्या कर देंगे अजम्पशन लेकर के बांट देंगे। तो शुरू करो भाई वापस से। सो सबसे पहला काम अपना क्या है, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। तो लिखो भाई टोटल सब्सक्रिप्शन, लिखे टोटल सब्सक्रिप्शन, सब मिला करके एप्लीकेशंस कितनी आई 4,50,000 लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। हाँ कैलकुलेटर पे टोटल लगाओ भाई, कपूर बोहरा दलाल मेहता इन सब की मार्क्ड एप्लीकेशंस की टोटल कितनी आ रही है जी, टोटल हाउ मच इट इज। देखिए कपूर के थ्रू कितनी एप्लीकेशन आई थी 2,20,000, बोहरा के थ्रू 1,10,000, ये 3,30,000 हुआ, 10,000 मेहता 3,40,000 हुआ, और 9,000 दलाल की और है, तो 3,49,000 ये लेस कर दिया, तो ये अपना आ गया अनमार्क्ड। हाँ आप कहेंगे अनमार्क्ड क्यों आ गया भाई, क्योंकि फॉर्म इस क्वेश्चन में है ही नहीं, 1,01,000 सही ना भाई, तो 349 टोटल 450, तो आपका अनमार्क्ड हो गया 1,01,000। अब अजम्पशन, अजम्पशन की जरूरत है, फॉर्म तो है नहीं, झंझट खत्म हुआ, पर अनमार्क का तो अजम्पशन लेना ही पड़ेगा, कौन सा रेशियो लेना है, तो लिखो भाई अजम्पशन। अब क्योंकि फॉर्म नहीं है, मैंने आपको कहा ना चार चार सॉल्यूशन पॉसिबल है, चार सॉल्यूशन का पॉसिबल है जब फॉर्म भी हो और अनमार्क्ड भी हो। अब फॉर्म है ही नहीं तो सिर्फ अनमार्क्ड है, तो अब तो दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो अनमार्क को ग्रॉस लाइबिलिटी में बांटोगे एक सॉल्यूशन हो जाएगा, अनमार्क को नेट लाइबिलिटी में बांटोगे दूसरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अजम्पशन में लिखिए अनमार्क्ड, हाँ जी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैव बीन क्रेडिटेड इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस हैव बीन क्रेडिटेड इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। हाँ जी अब सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं, अपना वही सॉल्यूशन का फॉर्मेट पूरे चैप्टर में एक ही चलेगा, क्या था जी स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, स्टेटमेंट शोइंग लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। सो पर्टिकुलर्स टोटल, हाँ इस बार चार लोग हैं, नाम देख के स्पेलिंग सही लिखना भाई, स्पेशली मेहता वाली क्योंकि आई एम मेहता। सो कपूर बोहरा, हाँ फिर किसका नाम है दलाल एंड मेहता, चलिए ग्रॉस लाइबिलिटी टोटल 5,00,000 का इश्यू था, कपूर ने कितने का कमिटमेंट किया 2,00,000, बोहरा सेड 1,50,000 मैं देख लूँगा, दलाल ने कहा मैं भी कहाँ पीछे रहने वाला हूँ 1,00,000, मेहता ने कहा भाई बचे हुए मैं देख लूँगा 50,000। चलिए जी ग्रॉस लाइबिलिटी लिख लिया अपन ने, अब इसमें से क्या लेस करना है, लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। हाँ जी मार्क्ड तीनों की मिला के अपन ने अभी टोटल लगाई थी, कितनी आई थी 349। हाँ 349 में कपूर की कितनी है, आप कहेंगे 2,20,000,
सेकंड बोहरा की कितनी है? 1,10,000। हाँ, थर्ड वाले दलाल की कितनी है? आप कहेंगे 10,000। मेहता की कितनी है? 9,000। सही लिखा ना भाई? सही है? नहीं है। देखो जी क्या गड़बड़ हुई। ये जो 10,000 की एप्लीकेशन है, देखो भाई किसकी आई है? नाम पढ़ना तो सामने। आपने ये क्या हो गया? 10,000 के सामने नाम, क्वेश्चन में देखो किसका लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे 10,000 के सामने नाम मेहता का है और दलाल की तो 9,000 ही है। आप कहेंगे लेकिन ऊपर दलाल मेहता, ये क्या हो गया? देखो देखो वापिस वापिस देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? इसमें नाम क्या थे? कपूर बोहरा दलाल मेहता। नीचे नाम क्या कर दिया? कपूर बोहरा मेहता दलाल, इंटरचेंज हो गया। और अपनी तो आदत क्या होती है, लाइन से लिखते जाओ। ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, यहाँ रखा है। पता चला कपूर का, सॉरी बोहरा का दलाल में चला गया या मेहता का दलाल में चला गया, मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है? अपने फिर से फीस लग जाएगी, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, दिस इज हाउ इंस्टीट्यूट प्लेज विथ इट। तो सिर्फ नाम उल्टा कर दिया, और अपनी मोस्टली आदत होती है भाई नाम तो वही रखे हुए होंगे, तो अपना ये मामला गड़बड़ हो गया। दलाल ने 10,000 अप्लाई, दलाल के थ्रू 10,000 नहीं, कितना आए हैं? 9,000। मेहता के थ्रू कितना आए हैं? 10,000। तो सही करो भाई, मिटाओ वापस से। हाँ, अब आपके पास तो मिटाने का ऑप्शन नहीं है, मैंने जान करके गलत करवाया, ताकि रिवीजन के वक्त जब आप ये नोटबुक खोलोगे ना, कटा हुआ दिखेगा तो अपने आप याद आता, हाँ ये गलती हुई थी, नाम याद रखने हैं, ठीक है? तो बी केयरफुल दैट यू हैव टू अगेन टेक केयर ऑफ द नेम। नाम उल्टा सीधा कर सकता है फोगट में, एकदम आसान। आपने कितना एकदम शुरुआत करते हुए लगाओगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्म का झंझट खत्म। बस मार्क लेस करूंगा, अनमार्क लेस करूंगा, ये खत्म। पर ये पता चला कि ये यहाँ पे पंगा हो गया, लफड़ा हो गया। तो दलाल के थ्रू कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है? 9,000। मेहता के थ्रू कितने की आई है? 10,000, ठीक है? तो ये अपने मार्क्ड एप्लीकेशन लेस। अब क्या लेस कर देंगे? अनमार्क्ड। हाँ, अनमार्क्ड कितनी आई है? 1,01,000 थी। अनमार्क को कौन से रेशियो बांटना है? ग्रॉस लाइवली रेशियो। ग्रॉस लाइवली रेशियो अपना 20:15:10:5। हाँ जी, तो इस रेशियो में 1,01,000 की जो हमारी एप्लीकेशन है उसको बांटिए। कितना कितना आया भाई? कपूर के अंदर 40,400, वेरी गुड। हाँ, इसके अंदर 30,300, फाइन। ये वाला 20,200 और ये 10,100। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है ना? कैलकुलेटर पे बैलेंस निकाल लिया, अब ये आ गया 50,000। कपूर में देखिए 60,400 का नेगेटिव आ रहा है सरप्लस, उसका तो पहले ही कोटा पार कर लिया था, 2 लाख बोला, 2,20,000 तो यूं ही आ गया। हाँ, बोहरा, बोहरा में आप कहेंगे 9,700 बचे हैं, 9,700 ही ना, क्योंकि 1,50,000 में से 1,10,000 ही आ गया, 30,300 और आ गया, तो 1,40,300 तो हो ही गया। हाँ, दलाल वाले के केस में आप कहेंगे 1,00,000 ही उन्होंने टोटल लाइबिलिटी ली। हाँ, उनके थ्रू कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आई, 20,200 तो ये आया, 9,000 आप कहेंगे ये आया है, टोटल कितना बच गया? 70,800। मेहता 50,000 की लाइबिलिटी ली, 10,000 तो मार्क्ड एप्लीकेशन आई, 10,100 रुपये का अनमार्क का क्रेडिट आया, सो इट इज 29,900। सरप्लस किसका है? कपूर का। हाँ, चेक भी कर लो, 29,900 प्लस 70,800 प्लस 9,700 माइनस 60,400, ये 50,000 होना चाहिए मैथमेटिकली, ताकि कोई प्लस माइनस करने में कैलकुलेटर गलती नहीं करते। देखिए अपन तो गलती करते ही नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर करता है, बट उसको भी तो चेक करना पड़ता है। तो चलिए अब वही रामायण, सरप्लस ऑफ कपूर किसको देंगे? बोरा दलाल एंड मेहता, कौन से रेशियो में? 15:10:5। तो ये 60,400 के सरप्लस को अब आपको 3 जनों में बांटना है, 15, 10 और 5। ये 15, 10, 5 कहाँ से आया? ग्रॉस लाइबिलिटी 1,50,000, 1,50,000 जो थी उससे 15:5:10 हो गया। तो निकालो भाई, अब
इसमें तो प्लस 60,400 हो जाएगा। हाँ, इसका 15:5:2 दिस करिए तो 30,200। हाँ, फिर 30,200 तो ये हो गया। हाँ, 10 वाला अमाउंट कितना होगा? 20,133। और 5 वाला अमाउंट कितना होगा? 10,067। चेक कर लो भाई सही है कि नहीं है। 60,400 को अपने को 15:10:5 के रेशो में बांटना है। देखो भाई अब क्या बचा, अब नई तकलीफ आ गई। ये 50,000 ये तो निल हुआ, यहाँ तो 30,200 लेस कर दिया। ये तो बेचारे को जरूरत ही सिर्फ कितने की थी? 9,700 की। कोई बात नहीं, होएगा क्वेश्चन खत्म, चिंता मत करो। 20,500 माइनस आया। ये तो आप कहेंगे इसके पास तो खूब जरूरत थी, देव जितना ही कम है। तो ये लेस करने के बाद कितना हुआ? 50,667। लास्ट वाले का भी लेस करो, 29,900 में से 10,067 लेस करेंगे, 19,833। तो ये अपन ने जब कपूर का सरप्लस 3 में बांटा तो बोहरा जी भी सरप्लस में आ गए। तो अब आप कहेंगे बोहरा जी को भी वापस बराबर करो, तो सरप्लस ऑफ बोहरा टू, हाँ अब आप कहेंगे बोहरा का सरप्लस कपूर दलाल मेहता में बांटना है क्या? नहीं, कपूर को जरूरत ही नहीं है, कारण उसको दोगे फिर वापस उसका सरप्लस बटेगा, यही काम थोड़ी करते रहेंगे। तो सीधा किसको देंगे? दलाल एंड मेहता, कौन सा रेशियो हो जाएगा? 10:5। तो ये 20,500 को अब आप इन दोनों में जब 10:5 के रेशियो में बांटोगे, हाँ जी, तो कितना कितना अमाउंट आएगा? 13,667 और इसका कितना जाएगा? 6,833। सो नाउ यू रीच द नेट लाइबिलिटी, 50,000 शेयर्स, कपूर निल, हाँ बोहरा जी को आप भी निल हो गया। हाँ अब इसका निकालो भाई, 50,667 में से 13,667 लेस करेंगे, इट कम्स टू 37,000 और ये कितना बचता है? 13,000। तो ये फाइनल लाइबिलिटी अपनी आ गई। तो समझिए क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना था, बस नाम उलट पुलट कर दिया और अपना रिजल्ट उलट पुलट हो जाता है। टेक केयर ऑफ इट, नाम के साथ भी ध्यान रखना पड़ेगा, कोई नाम तो ऊपर नीचे नहीं कर दी है। तो ये दो क्वेश्चंस अपन ने किए और अब अपन कल कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशन का पार्ट, बस इतना ही है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो 4 परमुटेशंस काम आएंगे, या कुछ नहीं कह रखा है मतलब तो अजम्पशन लेना है, या क्वेश्चन खुद कह देगा फॉर्म को ऐसे बांट दो, अनमार्क को ऐसे बांट दो, को क्वेश्चन भगवान है, उसने कह दिया उसको फॉलो कर लो एंड डू इट। आई गिव यू द होमवर्क फॉर टुडे, यू कैन सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये दो क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट अंडरराइटर्स, हाँ सेकंड क्वेश्चन में देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी बात कर रहा हूँ, द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन। अंडरराइटर को उनकी फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट देना है, मतलब फर्म को क्या मानना है? मार्क्ड, कारण अंडरराइटर्स को उनकी फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट देना, मतलब मैंने अप्लाई किया क्रेडिट मुझे दो, यानी कि मार्क्ड मानना है। एंड क्रेडिट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बी गिवन इन प्रोपोर्शन टू शेयर्स अंडर रिटर्न, यानी कि अनमार्क्ड के लिए क्या कह दिया? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो। तो क्वेश्चन ने कह दिया तो अपने को अजम्पशन नहीं लेना पड़ेगा। वैसे एक चीज और है, अगर ये पैराग्राफ नहीं होता तो अजम्पशन मैं यही तो लेने वाला था, बट ठीक है दे दिया तो अपने को अजम्पशन की जरूरत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो अपने को अजम्पशन लेना है। हाँ आप 4 बार सॉल्व मत करना, इतना PhD करने का जरूरत नहीं है। अजम्पशन वही, अनमार्क के लिए कौन सा रेशियो? ग्रॉस लाइबिलिटी रेशियो, और दूसरा फर्म को क्या मान लेंगे? मार्क्ड, बस बहुत है, काम चल जाएगा अपना। तो थैंक यू ऑल, कल अपन अकाउंटिंग एंट्रीज वाले पार्ट पाएंगे,
आपको अपनी पुरानी यादें ताजा करने को मिलेगी, इश्यू ऑफ शेयर्स वाली। थैंक यू, बाय बाय।